गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे YouTube चैनल में सायंकाल के समय आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह के लगभग 7 बजे। तो सुबह से ना हम लोग अपने घरों का मतलब साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ब्लॉग है ना शनिवार के दिन का और जाएगा रविवार के दिन। तो इधर अभी मैं ना बर्तन साफ़ सफाई करने में लगी हुई हूँ सुबह से ही। और अभी मुझे आंगन का और पूरे घरों का मतलब पूरे रूम का ही साफ़ सफाई करना है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो ब्लॉग में। और आजकल ना मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब ख़राब चल रही है, तो ये बर्तन ना मैं मतलब शाम को नहीं धुल पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी आजकल, मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ी डाउन हो गई है। और आजकल के सीजन भी मतलब सर्द गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा धूप लगता है, लू लग जाता है, तो उसी के चलते ना और मतलब तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मैं ना बर्तन साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मैं सुबह टाइम ही इधर बर्तन अभी साफ़ सफाई करने में लगी हुई हूँ। और सुबह से ना जितना काम मतलब अगर कर लो तो ठीक रहते हैं, क्योंकि जब धूप बहुत ही ज़्यादा निकल आता है ना तो उसके बाद ना कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। तो इधर ना मैं सोच रही थी कि जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ और मुझे खाना पीना भी बनाना है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है, मतलब कि धूप बहुत ही तेज़ निकल आता है और बाबू भी से ना सुबह से खाना मांगना स्टार्ट कर देता है। तो इधर अभी मेरा साफ़ सफाई मेरा भी बचा हुआ है जो कि मुझे भी पोछा लगाना है, तो सोच रही थी जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद पोछा लगाऊंगी। और बाहर अभी मुझे आंगन का भी झाड़ू लगाना है, और जहाँ मतलब मैं ना बर्तन साफ़ करी ये वाला भी आंगन मुझे धुलना है। बहुत ही ज़्यादा ना धूल मिट्टी आ जाती है हमारे पैरों में लग के, तो उसी के ना सोच रही थी कि जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, टाइम भी होते जा रहा है। और इससे पहले ना बच्चे लोग का भी तबीयत ठीक नहीं था, मतलब उनका भी तबीयत ख़राब हो गया था, दवाई हम लोग करवाए हुए थे और दवाई मतलब चल भी रहा था फिर भी पता नहीं तबीयत ही ठीक नहीं हो रहा था। तो इसके बाद ना मेरा भी तबीयत अब ख़राब हो गया, एकदम सर्दी जुकाम खांसी जो भी लगातार एकदम होते जा रहा है। तो इधर अभी मैं ना साफ़ करने में लगी हुई हूँ और सोच रही थी कि दवाई भी मैं करवा लूँ, लेकिन ना पहले सोची कि मैं ठीक ही हो जाऊँगी। और अक्सर ऐसा लगता है ना जब सर्दी जुकाम होता है कि दवाई बिना कराए हम लोग ठीक हो सकते हैं, और पता नहीं अचानक से गर्मी में मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है। इससे पर ना प्यास ज़्यादा लगती है गर्मी में और भूख बहुत ही कम लगती है। और दोस्तों इधर ना मैं आ गई हूँ आंगन पे, जो कि मुझे अभी आंगन का भी साफ़ सफाई करने की, इधर बहुत ही ज़्यादा पत्ते धूल वगैरह मतलब कचरा आ जाते हैं उड़ के ना, और इससे पर गर्मी के सीज़न में फिर तूफान हवा मतलब चलते ही रहता है, तो पत्ते भी बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं और कचरा भी उड़ के अंदर की साइड की आ जाते हैं। तो इतना भी मैं ना साफ़ करने में लगी हुई हूँ, और शाम टाइम में झाड़ू नहीं लग पाता है मेरा मतलब बाहर आंगन का, क्योंकि काम लगा रहता है और फिर शाम के करीब 6 बज जाते हैं, तो 6 बजे मतलब नहीं लगा पाती हूँ झाड़ू। तो सुबह से ही मतलब इधर सिर्फ सुबह सुबह ही लगाती हूँ, और शाम को ना इस बाहर वाले आंगन में नहीं लगा पाती क्योंकि काम लगा रहता है, पूरी तरह सामान फैला होता है तो फिर नहीं लगाती हूँ। तो अभी इधर मैं झाड़ू लगाने में लगी हुई हूँ, जितना जल्दी होती है कि काम ख़त्म हो जाए उतना ही लेट हो जाता है। एक तरफ बाबू सामान फैलाते जा रहा था और दूसरे झाड़ू लगाते जा रहे थे जो कि कचरा फैला हुआ था। तो दोस्तों अभी ना मैं इधर झाड़ू लगाने में लगी हूँ, इतना ज़्यादा धूल बैठा हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि
इस आंगन में ना बहुत दिनों से मतलब लिपाई पुताई बंद है क्योंकि काम घर पे लगा हुआ है, जैसे कई वीडियो में आप लोग को बताई हूँ। तो आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने महीने तक, मतलब कितने महीने हो गए होंगे इधर अभी ये लिपाई पुताई नहीं हुआ है, एक महीने से ज़्यादा हो ही गए हैं। तो धूल भी बहुत ही ज़्यादा बैठा था ना, तो मैं सोची कि चलो झाड़ू ही लगा दे रही हूँ और किसी दिन ज़्यादा मतलब देर तक नल चलेगा तो मैं इस आंगन का धूल भी दूंगी। लेकिन क्या होता है कि आंगन तो धूल दूंगी लेकिन ना शाम टाइम ही नल आता है, शाम के ना काम भी चालू रहता है, इसकी साइड ना आंगन में पूरी तरह से वायर फैले होते हैं, तार वगैरह मतलब पूरी तरह से फैले होते हैं, राड सभी मतलब लोहा लंगर फैला होता है। तो मैं ना सोच रही थी कि शाम के तो नामुमकिन है लेकिन सुबह सुबह ही धुल पाऊँगी इसको आंगन को, और सुबह टाइम में नल आता नहीं है, सुबह से बहुत सारा काम हो जाता है घर का। और दोस्तों अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जितना कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठने का उतना ही लेट मैं हो जाती हूँ, तो 6 बजे के बाद ही कभी कभी मतलब उठ पाती हूँ, नहीं तो 6 बजे ही कभी कभी उठ जाती हूँ। तो सुबह से ना जैसे मैं उठूँगी वैसे ही पीछे पीछे मतलब बाबू भी उठ जाता है, और उसके बाद ना इसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है कि मम्मी ब्रश आप ही कराओ, पापा आप ही ब्रश कराओ। तो इतना जिद एकदम से करता है ना कि इसको ही मतलब बहलाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुबह से ही चाय नाश्ता करके ये दोनों फिर से मोबाइल में घुस पड़े हैं देखिए, और इनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है दोनों को कि ये कम्बल ओढ़ के सोए हुए हैं वो भी इतनी गर्मी में। चलिए मैं अब किचन को साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और टाइम भी लगभग हो रहे हैं 9 बज चुके हैं, और हमारे यहाँ ना चिड़िया ना इधर घोंसला बना रही है, और ये रही चिड़िया रानी जो कि इधर बैठी हुई है। चलिए फटाफट मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, सर्दी जुकाम इसे पर हो रखा है मेरे को। तो इधर का साफ सफाई मेरा पूरा हो चुका है, बस अब किचन को साफ कर लेती हूँ और खाना बनाना रह जाएगा, फिर बच्चों को नहलाना धुलाना। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो इसको मैं रख ले रही हूँ झाड़ू को, क्योंकि मुझे ना किचन को साफ करना है, जाले एकदम से पूरे किचन में लगे हुए हैं तो उसको साफ़ सफाई करना है। और बोला जाता है कि ये घर पे ना जाले नहीं रहना चाहिए जो कि अशुभ माना जाता है। तो इधर देखिए इधर भी लगा हुआ है और इस साइड भी तो मैं फटाफट ना साफ़ कर लेती हूँ, और मुझे पोछा भी लगाना है। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो दोस्तों किचन में आ गई हूँ, किचन का भी साफ़ सफाई करने में लगी हुई है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है घर का साफ़ सुथरा रखना, खासकर ये जो जाल वगैरह लग जाते हैं घर पे ना उसको भी साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसको ना नहीं हम लोग मतलब बोलते हैं कि इसको ना घर पे जाल नहीं होना चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो इसको ना भी मैं साफ़ करने में लगी हुई हूँ, और हस्बैंड जी मतलब आते हैं ना मतलब दुकान से कभी किचन पे आ गए पानी पीने के लिए, तो उनका नज़र ना सिर्फ ऊपर ही सट जाता है, बोलते हैं कि इसको साफ़ कर देना। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि इसको साफ़ कर दूं, लेकिन क्या है ना कि दिमाग से निकल जाता था ये बात है कि मुझे अभी ये साफ़ भी करना है, लेकिन मैं आज सोच ली थी कि चलो आज मैं ना ठान ही लेती कि आज मुझे किचन का साफ़ सफाई करना है, और किसी दिन अभी मुझे फ्रिज को भी साफ़ करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा धूल बैठे हुए हैं, और सब्ज़ी भी बहुत ही कम है मतलब फ्रिज में, तो मुझे ज़्यादा बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, सामान जमाना नहीं पड़ेगा। तो मैं ना फ्रिज को भी अच्छे से धुलूँगी, मतलब फ्रिज का जो अंदर है बहुत ही ज़्यादा कचड़े बैठ जाते, तो उसको भी अच्छे से मेरे को पोछना है, धुलना है, साफ़ करना है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और मेरा वीडियो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। हमारा ये किचन है, अभी मैं ऊपर साइड साफ़ कर ली हूँ, और अभी बचा हुआ है नीचे साइड मतलब पोछा लगाना। तो देखिए बहुत सारा कचरा निकला हुआ है और नीचे फेंक दी थी मैं। तो दोस्तों मैं ना गैस चूल्हा को भी आज धीरे से ना फिर से सूख गए थे क्योंकि गर्मी भी इस समय पर बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैं फिर से भिगा दे रही हूँ, और इसके बाद
बाहर की जाएगा बेटा, कुछ नहीं इसमें, ये तो क्या खाएगा ए? क्या कुछ बेटू, जाओ इसके लिए नमकीन ला दो, जाओ पानी पीने के बाद यहीं रख देना कब, ठीक है, बाहर नहीं रखना, थोड़ा सा पानी पिएंगे जाके बाहर एकदम बाहर। ढक दो, बंद कर दो पानी को, कीड़ा पड़ जाएंगे। उठाओ, पहले से उठाओ, पहले ऊपर वाला उठाओ, चलो जाओ, जो दीदी लेके आ रही है जाओ। और किचन का लगाने के बाद ना मैं तीनों रूम का भी पोछा लगाई हुई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होती गर्मी थी, आते जाते रहो तो फिर धूल वगैरह साफ लग जाते हैं, तो अंदर बाहर पूरा मतलब साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए तो इधर अभी मैं किचन साफ़ करने में लगी हुई हूँ, जो कि अभी मुझे खाना भी बनाना है। और ब्लॉगिंग करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल से ब्लॉगिंग कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना तो मोबाइल के लिए बहुत ही जिद करने लगते, कुछ भी काम करने ही नहीं देते हैं। तो उनको ना सुबह सुबह ही मैं खेलने के लिए बोल रही थी, तो वो दोनों ना खेल रहे थे, इसके बाद इधर मैं ब्लॉगिंग बनाने लगी हुई थी। तो दोस्तों आप लोग मेरे मीडियम ब्लॉग में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। दोस्तों मेरा किचन भी साफ मतलब हो गया है, और आंगन भी धुलती हूँ। और इधर मेरा सारा काम हो चुका था, सारा काम करने के बाद मैं बनाने लगी हूँ खाना, जो कि सिर्फ खाना ही बचा था, बच्चे लोग को नहलाना धुलाना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।